नहीं है, मेरे जेठ जी है, और उसके मन में है कि ओहो ये गबरू जवान मेरा पति होना चाहिए था, दीदी दीदी करके मेरी सुनती है और स्क्रीन पे भी मोहिनी की सुनती है। आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। तो मैंने पहले भी आप लोगों से ये वीडियो शेयर की थी कि मेरा जो नया शो आ रहा है कन्या प्रधान जी गंगा पे मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे, अगर आप लोगों ने अभी तक वो शो देखना नहीं चालू किया है, अगर मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज़ वो शो देखें। और अगर आप लोगों के लिए कई बार होता है कि टीवी में नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग G5 डाउनलोड करिए, वहाँ पे फर्स्ट से हर एपिसोड देखें जो अभी तक हो चुका है, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को मेरा काम कैसा लग रहा है, हमारा शो की स्टोरी कैसी लग रही है, बाकी सारे किरदार कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपनी फैमिली से, तिवारी फैमिली से। तो पहले मैं मिला देती हूँ हीरो से। नमस्कार मधुश्री के चैनल के सारे व्यूअर्स को, मनमोहन तिवारी का, अमरिंदर तिवारी का जो कन्या प्रधान में मेरा कैरेक्टर है उसका नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। होप कि आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे और मैडम का व्लॉग देख रहे तो एंजॉय हो ही रहा होगा। वैसे मैं मनमोहन के बारे में एक बात बता दूं, हमने 2015 में साथ में काम किया था, एक्चुअली इनका शो था, मैं कैमियो करने गई थी, पर कहते हैं ना कि शो की खूबसूरती तब होती है जब इंसान जो उसमें है उसका दिल बहुत अच्छा हो, बेसिकली जो लीड करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो और बिल्कुल भी टैंट्रम अपने घर पे छोड़ के आए तो ये बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, और जितना अच्छा एक्टर है नेचर वाइज भी उतना ही अच्छा है, इसके लिए हमारे बॉन्ड सबके साथ इतना अच्छा है, तो ये एज अ लीड बहुत बहुत अच्छा है तुम्हारा जो नेचर है। थैंक यू, थैंक यू। और जितने स्वीट के साथ ही थैंक यू बोल रहे उतना शांति बिल्कुल। मैं पैसे बचा दूंगा तो मेरी तारीफ करने। मोहिनी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो आप लोगों को हंसाएगी, वो आप लोगों को डराएगी, वो आप लोगों को ओवरऑल एंटरटेन करेगी। और मोहिनी अपने पति से खुश नहीं है, मेरे जेठ जी हैं, और उसके मन में है कि ओहो ये गबरू जवान मेरा पति होना चाहिए था। मोहिनी की नजर है मेरे ऊपर, है ना, मोहिनी की नजर पैसों पे है ना, मतलब फिर भी हाँ तो पैसे वाला मैं ही हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ जेठ भी मेरा पति भी मेरा हो, शिट कितनी कमी नहीं हो रहा तू। ओके, अब मैं मेरे रूम में है जो मेरे रूम पार्टनर भी है निशा, ये मेरी ननद है, थोड़ी लाइट की कमी है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ये तो हम आगे आ जाते हैं, हम आगे आ जाते हैं, हम आगे आ जाते हैं, इन्हें तो इन्हें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कैरेक्टर नेम इसका है संध्या, और अगर आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा ये है मोहिनी के हाथ की कठपुतली। और पता नहीं शायद राइटर को पता चल गया कि ये दोनों साथ में रूम शेयर करते हैं, तो हमारा तो साथ में ही भर भर के लिख के आता है, लिख के भी आता है। हाँ, उनको पता चल गया है कि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो इसे टीवी में भी यूज करते हैं। और एक अच्छी बात है कि ऑफ स्क्रीन भी ये मतलब दीदी दीदी करके मेरी सुनती है और स्क्रीन पे भी मोहिनी की सुनती है, इन्हीं की सुनती हूँ, क्योंकि कहीं भी कोई भी बात बोलती है तो अरे भाभी रहुआ बात कह कहल कैसे हम कह सकेंगे। और आप एक अच्छी बात बताओ मतलब इसके बारे में, मतलब इसका कॉमेडी सेंस ऐसा है, मतलब यहाँ पे ना नेटवर्क कई बार बिल्कुल नहीं होता जिस वजह से मैं बीच में बिल्कुल भी अपडेट नहीं थी, ये लड़की दिन भर हंसाती है, दिन भर मेरा मेकअप खराब कर देती है या हंसा हंसा के नहीं, लेकिन मतलब इसकी कुछ कुछ कॉमेडी बातें मैं आगे शेयर करूंगी। है कि वो कभी निकल जाता है वो, जस्ट बिकॉज अगर ये रहती है ना जगह जगह कहीं पे भी तो मेरा ज्यादा निकलता है, कम्फर्ट में इनके साथ बहुत ज्यादा हो गई हूँ, और ये बहुत स्वीट है जो कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत प्यारी है, दिल से बहुत प्यारी है, इसीलिए इतना लोग पूरे शो में लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मोहिनी ये बहुत कमी है, ऐसे मोहिनी बहुत कमी नहीं हूँ। और एक दिन हम लोगों का बेसिकली साथ में शूट होता है, एक दिन मेरा लेट कॉल टाइम था जो कि मुझे बाद में पता चला, और इसका 8:30 बजे था, मेरा 3 बजे था, और मेरी जो जगह है मैंने बोला था तू बैठना नहीं मेरे जगह पे, ये आके मुझे लिटरली ऐसे फोटो खींच के भेजी कि दीदी मैं आपके जगह पे नहीं बैठी हूँ, और फिर मैंने इसको बताया नहीं था कि मेरा 3 बजे है, या बताया था नहीं बताया था, तो इसका फोन आया दीदी सच में नहीं अच्छा लग रहा, मैंने बोला अब तुझे पता चलेगा मेरी कदर की, बाकी में तू मुझे मिस कर रही है या नहीं। हाँ, मैं ही नहीं, मैं अगर मिस कर रही होती तो एक स्वाभाविक बात होती कि हम रूम में रहते हैं, हम मिस कर रहे हैं, पूरे सेट पे हम 5
आठ लोग एक्टर है सारे के सारे मिस कर रहे थे। कुछ तो तड़कता भड़कता मिस हो रहा है, कुछ तो तड़कता भड़कता मिस हो रहा है। बताऊं ये सच है, लेकिन मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, मतलब इतनी तारीफ में आ जाती है। और बाकी लोग अभी सीन में है तो मैं धीरे धीरे सबसे मिलाऊंगी, देखती हूँ कोई अभी रूम में अवेलेबल है या नहीं। वैसे इतनी काली मैं लहूं की लग रही हूँ? नहीं नहीं, तू बिल्कुल काली नहीं है, बहुत सुंदर है। लाइफ की प्रॉब्लम है। मेरे फैंस, मेरे यूट्यूब फैमिली इतने, सॉरी मेरी यूट्यूब फैमिली, फंबल मार दिया था, मेरी यूट्यूब फैमिली इतने अच्छे हैं ना, वो इंसान की दिल नेचर ये देखते हैं रंग का क्या है, काले गोरे का भेद नहीं। ओके चल देखते हैं आगे कौन है। और गाइस अब मैं मिला रही हूँ हमारे शो की हीरोइन से, जिसको मैं बहुत सताती हूँ, और मैं आ चुकी हूँ उसके रूम में बिना बोले। बेबी मैं आ चुकी हूँ बिना बोले। हेलो। तो ये है हमारी क्यूट सी आरती, लव यू बेबी। और चलो मैं भी बैठ जाती हूँ पीछे, थोड़ा चेयर पीछे कर लेते हैं ना। अभी थोड़ा लंच टाइम पे आना, क्योंकि आके हम लोग सीन में इतने बिजी थे, तो पीछे का बैकग्राउंड प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। तो ये है आरती, ये शो की लीड है कन्या प्रधान की, और प्रणाम। ये मेरे यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बन रहा है, मैं अभी ओके अब कंटिन्यू ब्लॉग आएगा, अभी तो बस आज शुरुआत है, तो सबसे मिला रही हूँ। अब यहाँ पे आरती है, लेकिन इसका असली नाम जो है पायल है, तो पायल बन के बात कर लो। चलो ओके, तो बोलो कुछ अपने शो के बारे में। ओके मैं भी पायल हूँ फिलहाल के लिए। तो हमारा जो शो है कन्या प्रधान, जिसमें मैं एज अ आरती लीड कर रही हूँ, और ये मेरी फिलहाल तो क्यूट सी मेरी मोहिनी ऑफ है, क्यूट हूँ ऑफ स्क्रीन, बहुत क्यूट है, मधुश्री बहुत अच्छी है, मोहिनी का तो पूछो मैं, बट ऑन स्क्रीन जो मोहिनी का किरदार निभा रही है वो बहुत ही खतरनाक है, जो हमेशा हमेशा मुझे डांटती है, हमेशा मुझे नीचा दिखाती है, और मेरे लिए सबका कान भरती रहती है, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि मोहिनी कांड कर रही है। मतलब आप लोग सच में देखोगे तो बहुत मजा आएगा। और इसकी एक बात बताऊं, इसको मेरा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है, तो कई बार ना ये मतलब जैसे सीन नहीं चल रहा है तो भी बोलते सुनो मैं डायलॉग बोलो आप एक्सप्रेशन दिखाओ। एक्चुअली होता ये है कि मैं जब इनका क्लोज चलता है तो मैं स्पेशली सिर्फ इनके क्लोज के टाइम में मॉनिटर पे बैठती हूँ और मैं इनके एक्सप्रेशन देखती हूँ, और जैसे ही आते हैं इनका खत्म होता है मैं इनको बोलती हूँ प्लीज ना मैं लाइंस बोल रही हूँ अपने एक्सप्रेशन दो, मतलब मैं कर नहीं पाती, प्लीज एक बार दो ना कैसे देखते हो या भी एक बार वो आए अच्छा, वाला बस अच्छा, मतलब तुम जैसे कि तुम कुछ गलती करो, जैसे कुछ गलती किया मेरा लाइन मोहिनी, हम मोहिनी से पूछ के करनी है बस, अभी बहुत ही गंदा वो सीन में हो जाता है। हाँ। इनको भी आपको भी पता है मैं ऐसे रियल लाइफ में नहीं हूँ। मुझे तो काफी फैंस ये भी बोलते हैं कि प्लीज मधुश्री मैम आप नेगेटिव कैरेक्टर क्यों करते हो, देखो जो रियल लाइफ में नहीं हो सकते वो टीवी पे कर सकते हैं, और एज एन एक्टर वो सारी चीजें करने में मजा आता है, चैलेंजिंग लगता है जो आप नहीं हो और आपको वो करना पड़ता है। बिल्कुल। और आप लोग मेरे बारे में वाकिफ होने के बाद भी जब आप हमें टीवी पे देखते हो लगता है कि यार यार ये कितनी कमी नहीं और, तो ये एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए कॉम्प्लीमेंट है। राइट। और बट एक्चुअल में ये बहुत क्यूट है, लिटरली खुद बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जिस तरह से ये मेहनत करती है अपने सीन के लिए, और मतलब उसमें बिजी रहती है, सीन अच्छे देने की पूरी कोशिश करती है, अभी भी स्क्रिप्ट पढ़ रही है, बाई नेचर बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने एक दिन इसको बोला कि देख तू बहुत अच्छी है, शो टच छुट बहुत आगे जाए, तू आगे भी इसी तरह रहे, ग्रोथ करे, इसने बोला नहीं दीदी मैं ऐसी रहूँगी, तो मैं इसके लिए बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि इसका पहला शो है और भी एज एन लीड, तो आई विश कि तुम आगे इसी तरह ग्रोथ करो, फिलहाल तो हमारा ये शो एकदम चकते फट्टे हो जाए, एक नंबर गर्दा उड़ा देंगे। अरे माँ ओ माँ चलो देखते हैं अभी बाकी लोग और सीन में है, वैसे ब्लॉग बहुत बड़ा होगा तो मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। ओके आई लव यू, आई लव यू टू, एंड मेरे YouTube फैमिली के लिए भी बोल दो भाई मेरे चैनल में बने रहे। मधुश्री दी के यूट्यूब में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो दी के चैनल है तो बड़े 1 लाख के ऊपर हैं। ओके मुझे तो ये भी नहीं पता था, बट जितने भी लोग हैं 1 लाख डे बाय डे बढ़ते जाए, 2 लाख 10 लाख होते जाए, और ये शो होते होते मतलब ये आप ये शो भी देखो और शो के बारे में कमेंट में भी बताओ, और आप हमारा शो देखिए, हमारे शो के बारे में कमेंट करिए, और मधु दी के साथ बने रहिए, क्योंकि आप इनके साथ बने रहेंगे तो मैं फिर आपसे मिलती रहूंगी इनके ब्लॉग में। चलो बाय बाय।